आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइसेस, उसी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एक दो तीन मिनट में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, आपको उसका आंसर जो है चैट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है, किसी भी लैंग्वेज में, मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस हमने कितने देखे हैं, कौन से डिवाइसेस को आप आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, कितने आउटपुट डिवाइसेस है, उनके नाम सेंड करोगे। आउटपुट डिवाइसेस कौन से है उसके नाम सिर्फ सेंड कर दो चैट बॉक्स में। प्रिंटर, मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट सॉरी इनपुट, ओके प्रिंटर मॉनिटर। बाकी ने आंसर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे। ये जो हमने कल चार्ट देखा था, इस चार्ट में जो मैंने रेड कलर से जो डिवाइसेस को रेड किया है, जो डिवाइसेस का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने रेड भी किया है, तो वही डिवाइसेस आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बाकी सब आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं तो उनको हम स्किप करेंगे यहाँ पे। और जो रेड रेड कलर में आपको जो डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वही पर हमने फोकस किया है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, OMR, MICR और बारकोड लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो MICR है वो कौन यूज करता है, किस सेक्टर में या किस इंडस्ट्री में MICR को यूज किया जाता है, उसको मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। MICR जो टेक्नोलॉजी या जो डिवाइस है वो कौन यूज करता है, या कौन सी इंडस्ट्री उसको यूज की करती है MICR टेक्नोलॉजी को या MICR डिवाइस को, इसका आंसर चैट बॉक्स में भेज दो। MICR जो टेक्नोलॉजी है या जो डिवाइस है वो कौन यूज करता है, बराबर है प्रोनोली बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, बराबर बैंक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, डिप्टी करेक्ट आंसर। ये स्पेशली किस ट्रांजेक्शन रिलेटेड यूज किया जाता है वो भी मुझे सेंड करो। ये स्पेशली आपने बैंकिंग इंडस्ट्री करेक्ट आंसर दिया है, मगर किस ट्रांजेक्शन रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया जाती है, बराबर है साक्षी चेक, चेक के बारे में ये MICR टेक्नोलॉजी यूज किया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में जो कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, उसका आंसर दे दो। करेक्ट प्रगति, सॉरी प्रज्वल, प्रज्वल करेक्ट, साक्षी राइट, 14 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट जो है OMR, OMR के बारे में बराबर है, जो आपने आंसर भेजा है वो बराबर है, मृणाली, ये 4 डिजिट से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी के डिजिट अदर होते हैं, ये 4 डिजिट जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है या किस सेक्टर में इसको यूज किया जाता है, OMR किस टेक्नोलॉजी को, OMR को किस सेक्टर में यूज किया जाता है, बराबर है मृणाली, MPC-UPSC यानी बराबर है MPC-UPSC बोर्ड, यानी कि एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने वहां पे MPC-UPSC बोर्ड कहा था, मगर जो कुछ इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन रिलेटेड वर्क करते हैं या एग्जाम कंडक्ट करने का काम करते हैं वो सब इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। बारकोड, बारकोड कहाँ पे यूज किया जाता है उसका भी आंसर मुझे चाहिए, आप टाइप करके भेज दो, बारकोड कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड कहाँ पे यूज किया जाता है, बारकोड्स
आंसर शीट, हाँ वो तो उसको आप बार कोड कहेंगे, सिर्फ आंसर शीट के ऊपर भी किया जाता है, मगर स्पेशली किस किससे रिलेटेड करता है ये बार कोड, ये किसी भी प्रोडक्ट पर आपको बार कोड दिखाई देगा, ये जनरली इंडस्ट्रियल सिस्टम में इसको यूज किया जाता है, बार कोड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा इसको रिवाइज किया है, हम आगे चलेंगे। बराबर है, बाकी के आंसर्स भी बराबर है, जिन्होंने आंसर टाइप करके चैट बॉक्स में सेंड किया है, मुझे सबके आंसर्स बराबर हैं। हम आगे चलते हैं, हमने कल डिस्कस किया था ये सब, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, माउस के बारे में डिस्कस किया था, कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था, ये OCRD, OCRD में कितने हमने डिवाइस देखे थे, पहला था OMR, ओके, जो MPC बीसी बोर्ड या एग्जाम बोर्ड में गेट किया जाता है, नेक्स्ट जो है MICR, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन को यूज किया जाता है, और लास्ट था हमारा जो उसको हम BCR कहते हैं या OBR, BCR या OBR, इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे आज। तो चलिए आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। BCR, BCR स्टैंड्स फॉर बार कोड रीडर, इट आल्सो नोन एज OBR, यानी कि BCR और OBR एक ही वर्ड है, एक ही डिवाइस का नाम है, मगर इसको एक ही डिवाइस को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, BCR यानी बार कोड रीडर और OBR विच स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ओके, डाटा डाटा या डेटा कोडेड इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइंस और बार्स आर नोन एज बार कोड, जब छोटी छोटी लाइंस जो लाइंस होती है उन लाइनों में अगर डाटा को एनकोडेड किया जाता है तो उसी लाइंस को कहा जाता है बार लाइंस, ओके, या बार कोड उनको कहा जाता है। अ बार कोड रीडर इज अ डिवाइस फॉर डिकोडिंग बार कोड डेटा, यहाँ पे डेटा वर्ड को रीड करो, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है, ओके। अ बार कोड रीडर इज अ डिवाइस फॉर, ये जो डिवाइस होते हैं वो BCR या OBR जो डिवाइस है वो क्या करता है, बार कोड जो बार्स या जो लाइंस में डाटा कोडेड है उस कोडेड डेटा को डीकोड करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, इट यूज लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, अब ये कैसे किस टेक्नोलॉजी के बेस पर काम करता है इस प्रकार के डिवाइस, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं, इट्स वर्किंग ऑन लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, जब आप किसी प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड होता है उसके ऊपर उस डिवाइस से अगर आप फ्लैश मारते हो तो वो क्या होता है, उसमें से एक लेजर बीम यानी कि रेड कलर की एक लेजर लाइट, आप वो लेजर लाइट जो है वो क्या करता है, वो बार लाइंस के ऊपर फ्लैश करता है, और वो वही जो लेजर बीम होता है या रेड लाइट होती है वही स्कैनिंग करती है उस पर्टिकुलर बार में जो कुछ डेटा एनकोडेड है उसको डिकोड करने का काम वो रेड लाइट ही करती है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आर अपीयर्ड बार कोड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर्पज, अब जिस बहुत सारे यानी कि सभी गुड्स के पीछे बारकोड होता है, मगर वो बारकोड का क्या रोल होता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है और उसके पीछे आप बारकोड का स्टिकर चिपकाते हो तो वो क्या है, अगर वही प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ इंडिया जाता है तो वहां पर भी यानी कि सपोज ऐसा मान लीजिए वो इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो अमेरिका में चला गया और अमेरिका के कस्टमर उसको परचेस कर रहे हैं, तो उस टाइम भी उसी प्रोडक्ट में जो डाटा एनकोडेड किया गया है वही डाटा एनकोडेड डीकोड सेम होना चाहिए इंडिया में और यूएसए में भी या अमेरिका में भी, इसलिए पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाता है जो एनकोडेड होता है बार कोड में। बार कोड इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो और कोड्स अभी जो मैंने कहा था ये क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पर्टिकुलर, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक कोड होता है जो पूरे विश्व में एक ही होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया हुआ एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। ओके, ये कैसे होता है,
इट्स हैविंग 10 टू 14 डिजिट, ये 10 या 14 नंबर के नंबर का होता है, या कोई प्रोडक्ट के लिए 10 नंबर का बार कोड या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या 14 नंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। ओके, इसमें से एक यहाँ पर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिजिट होते हैं उस बार कोड में। अब ये प्रोडक्ट वाइज कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 डिजिट्स इन आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। अब इनमें से जो 10 या 14 नंबर का जो बारकोड होता है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसमें से जो फर्स्ट 5 डिजिट जो होते हैं वो 5 डिजिट कोडेड होते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। यानी कि पहले 5 नंबर से आपको ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट का जो जिस पर बारकोड स्टिक किया गया है उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है या उसका सप्लायर कौन है। वो पहले 5 जो डिजिट होते हैं वो उन्हीं को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पिन नंबर, उसमें के जो पहला या पहले 2 जो डिजिट होते हैं वो किसी स्टेट को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से इसमें के जो पहले 5 डिजिट होते हैं वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर वो सप्लायर को इंडिकेट करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट में। और नेक्स्ट डिजिट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और बाकी की जो डिजिट्स होते हैं पहले 5 को छोड़ के जो बाकी के डिजिट बचते हैं उन पूर्ण डिजिट में क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाया है, उसकी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो किस बैच में बनाया गया है, इन ये सभी इंफॉर्मेशन उस बार कोड के अंदर एनकोडेड की जाती है। और यही इंफॉर्मेशन डीकोड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको BCR डिवाइस या OBR डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अब ये जो OCRD टेक्नोलॉजी होती है, OCRD टेक्नोलॉजी इसमें स्पेशली क्या किया जाता है, कुछ इमेजेस जो होती है जिसको आप बिट मैप भी कहते हैं, इमेजेस को बिट मैप भी कहा जाता है। यानी कि बिट मैप इज अ टाइप ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर डिजिटल इमेज। अब ये जो कोई भी इमेज होती है ना वो बिट मैप ही होती है, स्पेशली आपको समझने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। बिट मैप में यानी कि जो पिक्सल से बनाया हुआ या पिक्सल से बनी हुई एक इमेज होती है उसको हम बिट मैप कहते हैं। अब ये जो बिट मैप होता है ना, इस बिट मैप को कन्वर्ट किया जाता है ASCII कोड में। ओके, ASCII कोड यानी कि ASCII कोड। अब ये कोड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो अपने स्क्रीन पर। ASCII कोड का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, अब ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म है किसका, ASCII कोड का, ASCII इसका फुल फॉर्म है। ओके, इट इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, ये जो कोड बनाया गया है पूरे विश्व में एक ही कोड है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, जो पूरे विश्व में सभी कंट्रीज ने एक साथ आके एक कोड बनाया गया है उसको हम ASCII कोड कहते हैं। और ये कोड क्या करता है, किसी कैरेक्टर को एनकोड करने का काम करता है जगह अगर वो फाइल अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिलेटेड फाइल होती है तो। ओके, ASCII codes represent text in computer, telecommunication equipment and other devices. अभी ASCII code जो है ये particular जो files होती है या PDF file होती है या कोई भी image file होती है या कोई भी format की जो file होती है उस file को code देने का काम किया जाता है। यानी कि उस file को जो code दिया जाता है वो based होता है किसके, ASCII code के ऊपर। ओके, अभी ASCII code जो है ना कोई इंडिया ने बनाया है, ना अमेरिका ने, सॉरी, ना कोई और कंट्रीज ने बनाया, ये पूरे विश्व में क्या किया है कि सब देशों के रिप्रेजेंटेटर एक साथ आए और उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक ही कोड जनरेट किया है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिलेटेड उसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिलेटेड यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है और थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। सपोज मैंने अभी क्या किया है कि कल आपके ग्रुप पर एक PDF फाइल भेजी है, अब ये विद इन इंडिया के अंदर ही है ना, आप अपने घर पर हो या मैं कॉलेज में हूँ, मैंने कॉलेज से आपके ग्रुप पर एक PDF फाइल जो PPT थी अपनी क्लास की वही आपको सेंड किया है, तो उस फाइल को जो एक कोड क्रिएट होता है, ओके, उस फाइल के लिए एक कोड क्रिएट होता है, उसी कोड को ASCII कोड कहा जाता है।
अगर ये फाइल जब मैंने आपको आपके ग्रुप पे भेजी तो आप उसको डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अगर यही फाइल अगर मैंने माली के अमेरिका में किसी एक व्यक्ति को अगर भेज दी तो वहां पर भी वो फाइल ओपन होगी और वो उसको रीड कर सकेगा। ये क्यों पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है ASCII कोड से, क्योंकि हर एक फाइल के लिए एक ASCII कोड जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और वो कोड क्या करता है पर्टिकुलर पूरे विश्व में आप कहीं पर भी अगर फाइल भेजते हो तो कहीं पर भी वो फाइल ओपन होती है और उसको ऑपरेट कर सकते हो या उसको हैंडल कर सकते हो। अगर हर एक देश का ASCII हर एक देश का कोड अगर इंडिविजुअली होता, अगर हर एक देश का कोड अगर किसी देश ने खुद के लिए सीमित ऐसा अगर कोड बनाया होता तो वो फाइल क्या होती? पर्टिकुलर देश में ही वो ऑपरेट होती। अगर वो फाइल जो इंडिविजुअल कोड से बनाई गई है वो आउट ऑफ इंडिया में या किसी दूसरे देश में वो ऑपरेट नहीं होगी। इसलिए क्या किया है कि पूरे विश्व में सभी कंट्रीज ने एक साथ आके इस ASCII कोड का जनरेशन किया है। अब नेक्स्ट आपको क्या ये ASCII कोड कैसे होते हैं, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देख लेना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करता हूँ। ये जो ASCII कोड है ये इस प्रकार से ASCII कोड है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर फॉर ये जो है यहाँ पे यूएस का मीनिंग यूनाइटेड स्टेट है, ये सिर्फ ASCII कोड चार्ट है। इस कोड के बेस पर ही पूरे विश्व में सब इलेक्ट्रॉनिक जो फाइल्स होती है उनको कोडिंग करने का काम किया जाता है। ये कोड कैसे है, इसका काम क्या है, ये हमें समझना नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मैंने ये इमेज इंसर्ट किया है। इस प्रकार से कोड किया जाता है जो 01 से क्रिएट होता है, 01 या स्पेशल कैरेक्टर्स से ये कोड्स जनरेट किए जाते हैं। इस प्रकार के ये कोड्स होते हैं, इनको हमें डिटेल में नहीं समझना, ये इस प्रकार के कोड्स होते हैं, यहाँ पर यही बात समझ लेना है। ओके, अब ये कोड किसके लिए कैसा कोड है, हर एक फाइल के लिए कौन सा कोड है, या ए के लिए कौन सा कोड है, बी के लिए कौन सा कोड है, ये हमें समझना नहीं है। जस्ट इसी प्रकार का या इस टाइप के कोड्स होते हैं ये हमें इस इमेज से समझना है, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने कल कहा था कि ASCII कोड को हम आगे देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ तक तो हमारे इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट होता है। इनपुट डिवाइसेस में हमने अलग अलग पॉइंट्स को कवर किया है। यही पीपीटी मैंने आपको भेजा है आपके ग्रुप पर, आपको एज असाइनमेंट इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे ASCII कोड के बारे में आप ये मैटर सिर्फ उस पीपीटी में लेंगे, ये मैटर आप बाद में भी मैं इसकी इमेज आपको भेज दूंगा, अदरवाइज आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसकी अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो एक दो सेकंड में इसको इसकी स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ठीक है, ASCII कोड का स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, यहाँ तक तो हमारे इनपुट डिवाइसेस खत्म होता है, हम आगे चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट डिवाइसेस को हम कवर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, क्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इजी पार्ट है, मगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट या टफ पार्ट भी है हमारे सिलेबस में, मगर हम छोटा छोटा जो पहले पहले सिंपल जो पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, हमने इससे पहले इनपुट देखा था, अब देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट डिवाइसेस में देख लीजिए इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। जब इनपुट डिवाइसेस जो हमने कवर किया था, इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, जो कुछ डेटा है यूजर के पास, जो डेटा है यूजर का डेटा, ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में यूजर का डेटा कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ डेटा इस इनपुट डिवाइसेस से क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर में फीड करता हूँ, या इस ये जो सीपीयू है इसमें फीड करता हूँ। सीपीयू क्या करता है, इस सीपीयू में पूरे डेटा की प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग खत्म होती है तो क्या करता है ये सीपीयू, जो आउटपुट्स आते हैं वही आउटपुट्स को आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है। और ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जैसे कि वैसा, यानी कि जो डेटा सीपीयू ने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेजा है वैसे ही यूजर को वो ट्रांसफर नहीं करते है। यूजर को कैसे ट्रांसफर करते हैं, उसी डेटा को फिर से यूजर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये आउटपुट डिवाइसेस करते हैं।
जिससे कि यूजर को उसकी लैंग्वेज में वो आउटपुट समझ में आए। तो आउटपुट डिवाइसेस का सबसे मेन काम क्या है, सिस्टम के पास से जो कुछ आउटपुट उनको मिला है उसको यूजर फॉर्म में या यूजर रीडेबल फॉर्म में उस डेटा को कन्वर्ट करना और यूजर को प्रेजेंट करने का काम ये आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, मीनिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, एंड आउटपुट डिवाइसेस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, ये क्या है, एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डेटा को कंप्यूटर की तरफ से और सीपीयू की तरफ से। ओके, एंड ट्रांसलेट देम इनटू फॉर्म into a form and translate और उसको translate करता है किस form में, then into a form which the user can interpret, जो user interpret कर सके उसी form में translate करने का काम ये output devices करते हैं। Several output devices are available today, आज बहुत सारे output devices available हैं market में। These can be classified into जो जितने भी output devices हैं उनको हम classify कर सकते हैं दो parts में, एक है उसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में, वन इज आवर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर इज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे आउटपुट रिप्रेजेंट बाय आउटपुट प्रेजेंटेड बाय सॉफ्ट कॉपी। ओके, आउटपुट डिवाइसेस आर टेम्पररी इन नेचर एंड वैनिश आफ्टर यूज। अब जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो आउटपुट प्रेजेंट किए जाते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से, वो आउटपुट कैसे होते हैं, टेम्पररी इन नेचर होते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम लैग के लिए ही होते हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं होते, ये वो टेम्पररी टाइम लैग के लिए होते हैं। और वो क्या होते हैं, वैनिश आफ्टर यूज, उसका यूज होने के बाद वो चले जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन पेपर, इट कैन be produced on paper and carry from one place to another. Okay, it can't be produced on paper. अब ये जो output होते हैं, जो soft copies output devices के द्वारा हमें present होते हैं, वो कैसे होते हैं? ये produce नहीं हो सकते किसी paper पे या किसी other material पे. Okay, it can't be produced or on paper, paper हो या किसी other material पर ये इंडिकेट नहीं होती या ये प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होते हैं। यूजर कांट कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि अगर डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो कुछ आउटपुट मिला है आपको, अगर वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हो तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ले जा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसकी ये लिमिटेशन है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है आउटपुट प्रेजेंटेड बाय हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से जो आउटपुट प्रेजेंट हो जाता है वो कैसे होता है, आर परमानेंट इन नेचर, वो कैसा रहता है, परमानेंट नेचर का होता है और वो पेरिशेबल नहीं रहता है या वैनिश नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन पेपर, और ये कैसे होता है, जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से जो आउटपुट आपको मिलता है वो कैसे होता है, वो पेपर पर उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, वो अपीयर हो सकता है पेपर के ऊपर एंड सम अदर मटेरियल, या पेपर हो या किसी अदर मटेरियल के ऊपर वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम देख सकते हो अदर मटेरियल या पेपर के ऊपर। ओके, एंड कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा जो आपको आउटपुट मिला है उसको आप क्या कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसको कैरी कर सकते हो। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले चार्ट में आपको पूरा डिटेल भी समझ में आ जाएगा कि हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है और उसका परमानेंट नेचर और जो कैरिंग जो कैपेसिटी है या जो कैरिंग नेचर जो है वो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंड टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इसमें आउटपुट जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है आज के टाइम पर वो उसको मैंने उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो पार्ट्स में किया है, फर्स्ट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड नेक्स्ट है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस किसे कहेंगे, उसको हम कहेंगे मॉनिटर को और प्रोजेक्टर को, ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है।
इनका उसको आप किसी उसको कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या रहता है, ये परमानेंट नेचर का नहीं रहता है, ये वैनिश हो जाता है जब आप इसका यूज किए जाते करते हो तो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के हैं? दो दो है, उसमें मॉनिटर भी है और प्रोजेक्टर भी है। मॉनिटर के कितने टाइप्स? हमने अलग अलग मॉनिटर्स के टाइप्स यहाँ पे इंक्लूड किए। पहला है सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। ये तीन प्रकार के मॉनिटर आज मार्केट में आपको दिखाई देंगे। ये तो अभी चला गया, ये बहुत ही पुराना मॉनिटर था। आप आज की सिचुएशन में आप एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर में देखते होंगे। मेरे पीछे जो मॉनिटर है वो एलसीडी मॉनिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा जो पार्ट किया है आउटपुट डिवाइसेस का, वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में हमने दो अलग डिवाइसेस को इंक्लूड किया है, एक है प्रिंटर और दूसरा है प्लॉटर। ओके, प्रिंटर और प्लॉटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। अब इसमें प्रिंटर में अलग अलग से हमने प्रिंटर के टाइप को इंक्लूड किया है, जिसमें स्पेशली है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर। प्रिंटर के ये तीन प्रकार है। अब ये प्लॉटर जो है, प्लॉटर को हमने दो अलग डिवाइसेस में इसको इंक्लूड किया है, ये ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। अब ये यहाँ पे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब की जो कॉन्सेप्ट है हार्ड कॉपी रिलेटेड और सॉफ्ट कॉपी रिलेटेड, यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो किसी डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई देता है आउटपुट, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, और जो कागज के ऊपर आपको दिखाई देता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट है, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग से डिवाइसेस यूज की जाती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो दो है, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, और हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर और प्लॉटर। अब यहाँ पे मैंने जो रेड कलर में जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, या रेड कलर में जो आपको डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा सिलेबस का पार्ट है। बाकी जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन करके। अब यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में जो थर्ड वाला पार्ट है जो है, वो है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम डिवाइसेस। यहाँ पे वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम डिवाइसेस में जो स्पीकर है, हेडफोन है या एयरफोन है, ये सब क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। इसका यूज करने के बाद आपको क्या मिलता है? इसका इसका जब आप यूज करते हैं, अभी भी आप क्या कर रहे हो, जो आपने कान में जो आपने हेडफोन लगाया है वो क्या वर्क कर रहे हैं अभी एज आउटपुट डिवाइसेस का? आपके पास आपके मोबाइल के थ्रू अब मेरी आवाज आपके मोबाइल के थ्रू आपके कानों में आ रही है, तो उसका क्या हो रहा है यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। क्योंकि अब ये तो ये परफेक्ट एग्जांपल है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का। जब आपके कान में जो एयरफोन है वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल या मेरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट आपकी तरफ भेज रहा है वो क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ओके। उसके बाद हमने जो हार्ड कॉपी में जो प्लॉटर देखा है, प्लॉटर में ड्रम और फ्लैट बेड प्लॉटर आता है। अब ये चार्ट को समझने के बाद हम आगे चलते हैं, वन बाय वन इसको देख लेंगे। जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया था वही डिवाइस को हमें यहाँ पे कवर करना है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। मॉनिटर इज अ स्क्रीन ऑफ आउटपुट प्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडियो और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। 100% एमसीक्यू के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो वर्ड यहाँ पे याद रखना। ओके, नेक्स्ट है इट इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब ये मॉनिटर क्या है, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है? इट इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस दैट इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले सिस्टम। ये क्या है? कंप्यूटर के डिस्प्ले सिस्टम का एक पार्ट है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर इस आता है मॉनिटर। ओके, द सीपीयू कंप्यूटर डिस्प्लेज द कंप्यूटर द सीपीयू और कंप्यूटर डिस्प्लेज द आउटपुट और रिजल्ट्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर कंप्लीटिंग द डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी। अब जो सीपीयू होता है या कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द डाटा प्रोसेस। ओके, अब डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद
जो आउटपुट होता है या जो रिजल्ट होता है वो सीपीयू और मॉनिटर क्या करता है, सॉरी सीपीयू और कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करता है या प्रेजेंट करता है। ठीक है। नाउ डे मॉनिटर आर अवेलेबल इन द टाइप्स ऑफ सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। अब सीआरटी तो अभी अवेलेबल नहीं है, मगर एलसीडी, एलईडी के फॉर्म में आपको मॉनिटर दिखाई देते होंगे आज मार्केट में, इन द वेरियस साइज फ्रॉम 12 टू 23 और 25, 26। अभी अभी इसकी जो साइज जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट के बेस पर डिपेंड है, कंपनी या अलग अलग जो मॉनिटर की कंपनी है वो किस प्रकार के मॉनिटर के साइज बनाते हैं इस पर डिपेंड है, मगर मार्केट में जो 12 साइज से लेके 23, 25, 26 अभी आप टीवी की साइज तो आपको पता है, उसी प्रकार से मॉनिटर की साइज भी होती है। ओके। द डिस्प्ले क्लैरिटी ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन रेजोल्यूशन। ओके। जो डिस्प्ले क्लैरिटी होती है जो मॉनिटर की हो या किसी भी टीवी की हो या स्क्रीन की हो, उसकी जो क्लैरिटी हो कैसी मेजर की जाती है वो रेजोल्यूशन में मेजर की जाती है। द रेजोल्यूशन मीन्स डॉट्स पिच ऑफ पिक्सल्स। ओके। डॉट पिच ऑफ पिक्सल्स, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल का जो बंच होता है या पिक्सल के ग्रुप को आप रेजोल्यूशन कह सकते हो। और ये पिक्सल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, अलग अलग हजारों या लाखों पिक्सल से एक डिस्प्ले क्रिएट होता है या वो बनता है पिक्सल्स, यानी कि जो आप जब किसी डिस्प्ले के एक पार्ट को देखेंगे या एक बॉक्स को देखेंगे तब उसको कहा जाता है पिक्सल्स, क्योंकि हर एक बॉक्स अलग अलग छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो बॉक्स से ये पिक्सल्स बनाए जाते हैं या डिस्प्ले बनाया जाता है। वही उसी डिस्प्ले का एक बॉक्स जो होता है, एक पार्ट जो होता है, एक जो पार्टिकल होता है उसको पिक्सल कहा जाता है। ठीक है। पिक्सल के बेस पर ही, यानी कि पिक्सल के बेस पर रिजोल्यूशन के आधार पर किसी भी मॉनिटर या डिस्प्ले की क्लैरिटी को मेजर किया जाता है। ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार या कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो पुराने टाइप का जो मॉनिटर था उसको आप क्या कहते थे, सीआरटी मॉनिटर। ओके। सीआरटी मॉनिटर इस प्रकार का था जो पुराने मॉनिटर्स है। एलसीडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर आप देख सकते हो मेरे पीछे का जो मॉनिटर है वो एलसीडी मॉनिटर है। एलईडी मॉनिटर थोड़ा सा एडवांस है एलसीडी से। अब ये एलसीडी मॉनिटर भी है अपने यहाँ पे मेरे सामने, जो मॉनिटर्स है कुछ नए सिस्टम्स है उसमें एलईडी मॉनिटर्स है। ओके। तो इस प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं, तीन प्रकार के मॉनिटर्स, उसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे, आगे चलेंगे। पहले देखेंगे सीआरटी। ओके। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ओके। इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व्हिच वाज यूज्ड एज टेक्नोलॉजी इन द मॉनिटर ऑफ द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। अब ये पुराने कंप्यूटर में सीआरटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक वैक्यूम ट्यूब जैसा ही एक पार्ट है जिसकी मदद से, या जो उस जो वैक्यूम ट्यूब जैसा एक पार्ट है जिसको सीआरटी कहते हैं, उस सीआरटी के मदद से जो मॉनिटर बनाया जाता है या बनाया जाता है उसको ही, उसी मॉनिटर को ही आप सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। ओके। वैक्यूम ट्यूब जैसा ही एक ये पार्ट होता है, मगर इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग होती है। सीआरटी की फंक्शनिंग कैसी है मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कैसी फंक्शनिंग होती है वो हम कल देखेंगे, एक वीडियो में आपको जारी करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि सीआरटी मॉनिटर कैसे वर्क करता है। ठीक है। द मॉनिटर वॉज लार्ज इन साइज। ये मॉनिटर कैसे होता है, थोड़े से बड़े होते हैं, हेवी होते हैं बहुत ही, इनका जो वजन होता है या इनका जो वेट होता है वो कैसा है, हेवी होता है, ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ स्पेस ऑन डेस्क, जो टेबल पे बहुत सारा ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वाइड व्यूइंग एंगल्स। ओके। इनकी जो एंगल जो व्यूइंग या डिस्प्ले एंगल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है। ओके। एंड मेड बाय सी आर टी टेक्नोलॉजी। एंड ये कैसे बनाते हैं, इस प्रकार काउंटर कैसे बनाते हैं, सी आर टी टेक्नोलॉजी से ये काउंटर बनाए जाते हैं, विच वॉज डेवलप्ड फॉर द टेलीविजन। जो पुराने जमाने की जो टीवी थे वो बनाने के लिए इसी सी आर टी का यूज किया जाता था, उसी के आधार पर ये मॉनिटर बनाए गए थे।
तो सीआरटी जो पुरानी टीवी थी उसी प्रकार के ये मॉनिटर रहते थे। मुझे लगता है अभी 1 मिनट बचा है हमारा, हम सीआरटी को यहाँ पे कवर किया है, फिर कल हम एलसीडी और एलईडी मॉनिटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर से इसको कवर करेंगे सीआरटी को। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे ऑन टाइम 12:45 को, तो कल सब लोग ज्वाइन हो जाना। आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मैं, ये जो आपकी अटेंडेंस है यहाँ पे लग चुकी है, जो लोग जितने भी लोग आज ज्वाइन हो गए हैं सबकी अटेंडेंस मैंने यहाँ पे फिट कर दी है। कल फिर मिलेंगे। अगर इस कंटेंट रिलेटेड कोई आपको